वहाँ पे वायर को दिया था। बस बस नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी हम हैं दिल्ली में अच्छा धाम मेट्रो स्टेशन पे और हम जा रहे हैं एक अपनी नई इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो कहाँ चले हैं चल के अभी दिखाएंगे आप। तो हम मेट्रो से जो है एयरपोर्ट चले, यहाँ से आगे लाइन बदलेंगे एक्सप्रेस मेट्रो के लिए, जो कि एयरपोर्ट की एक्सप्रेस स्पेशल लाइन है, वो बहुत तेज़ चलती है। हालाँकि थाईलैंड जा रहा हूँ मैं, बता ही देता हूँ आपको। तो वहाँ पे वीज़ा वगैरह का उतना कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, इंडियंस के लिए फ्री कर दिया है। सात बज गए, एक घंटा लग गया और हम आ गए हैं एयरपोर्ट। भीड़ देखो आप, ये T3 लिखा मतलब टर्मिनल 3, ये मशीनें हैं सेल्फ चेकिंग के लिए। और ये गेट है, यहाँ पे अपना पासपोर्ट टिकट वगैरह दिखाना, एंट्री कर देंगे और उसके बाद अंदर चेक इन वगैरह होगा। सब पूरा बैग वैग सब चेक करेंगे, टिकट चेक करेंगे वापस आने का है नहीं है। तो अभी अंदर चलेंगे, तो अंदर सब बैग वैग सब चेक करते हैं, पासपोर्ट वगैरह टिकट वापस आने का है नहीं है वो सारा। फिर उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जो फ्लाइट बोर्ड करना होता है, इस वजह से करीब 2-2.5 घंटे पहले ही आप आइए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो छूटी जाएगी हमारी। 9 बजे हम यहाँ 7 बजे पहुँच गए हैं, मतलब हमारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में सिक्योरिटी इमिग्रेशन सब कुछ आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ से डोमेस्टिक डिपार्चर मतलब इंडिया के अंदर वाली फ्लाइटें चलती हैं, इंटरनेशनल डिपार्चर मतलब विदेश के लिए। तो अगर आप पहली बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो भाई 2-2.5 घंटे 3 घंटे लेके आओ। 3 घंटे आप मान कर जितने ज़्यादा लेके आओगे समय उतना अच्छा है, क्योंकि हो सकता है पता लगा आप दूसरी लाइन में लगे हो, बाद में पोपट हो जाता है। तो इवन मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तभी भी मैं टाइम लेके आता हूँ, बहुत खैर तो नहीं ट्रैवल करता हूँ साल में 1-8 बार। तो अभी हम आ चुके हैं फाइनली, इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब हो गया है। ये भाई यहाँ पे आप आओगे तभी ही आपको ये देखने को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी और इमिग्रेशन दोनों जगह वीडियो बनाना मना रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी पे वीडियो बना दोगे तो सबको पता चल जाएगा ना कैसे सिक्योरिटी चेक होती है, तो उसको लोग उसमें गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा दयाशंकर अकेले जा रहे हैं बैंकॉक, तो भाई मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैं जो है कई लोगों के साथ जा रहा हूँ, ग्रुप ये जो है पूरा ट्रैवल होने वाला है। तो चल के दिखाएंगे कौन कौन रहेगा, ये काइंड ऑफ बिजनेस ट्रिप है, तो उसमें से जैसे मैं सोलर का बिजनेस करता हूँ, तो ऐसे ही सोलर के और बिजनेस करने वाले लोग मेरे ख्याल से पूरे अपने देश से अलग अलग जगहों से हैं। फिलहाल अभी भूख लगी, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया फ्लाइट के चक्कर में। आपको पता है आपने यूट्यूब वाला ब्लॉग जो देखा दिल्ली में जो इवेंट हुआ था, उसके बाद मैं भागते हुए घर गया मतलब लखनऊ गया, वहाँ से सालों को छोड़ के मैं सीतापुर आया, फिर वहाँ से फिर भागते हुए यहाँ आया। इस बीच में खाना खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और अब मैं यहीं पे थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, नहीं तो फ्लाइट में बहुत महंगा खाना मिलेगा। और जो ग्रुप ट्रैवल ये प्लान है उसमें पहले से नोटिफिकेशन आ गया है कि अंदर खाना वाना फ्लाइट में कुछ नहीं मिलेगा, तो हम सोचते यही खा लेते हैं। ये है सबवे और यहाँ पे हमने ऑर्डर ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखिए। और ये इतना कुछ 300 कुछ रुपए का बना, भाई महंगाई यहाँ पे बहुत है। तो ये देखिए, अब अगर आप एयरपोर्ट पे आते हो तो इस तरीके का खाने का बहुत सारा मिल जाएगा, दिल्ली स्ट्रीट सबवे डोमिनोज मैकडोनल्ड KFC इडली सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं ये सबवे लेके आ गया हूँ, 302 रुपए का बताया लेकिन भाई ने 300 रुपए काटे, ये देखो 200 वापस कर दिए। तो अभी खाते जाते हैं, बताते हैं आपको कि अभी कुछ टाइम के बाद हम जो है निकलेंगे बैंकॉक के लिए, फ्लाइट है तो उसके बाद ये जो है 500 के 200 के ये इंडियन नोट काम करने बंद हो जाएंगे। तो हम इस बार रुपए एक्सचेंज करा के नहीं लाए तो वहाँ पे कैसे मतलब घूमेंगे। वैसे तो सब कुछ है ग्रुप में ऑर्गेनाइज पहले से ही है, तो कुछ होटल वगैरह बुकिंग सब पहले से फिक्स है, तो कुछ करना है नहीं, लेकिन फिर भी जो खर्चा आएगा तो उसके लिए मेरे पास ये देखिए वीज़ा के एक SBI का कार्ड है और एक एक्सिस बैंक का कार्ड है, इसमें मैं रास्ते में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिवेट कर लिया हूँ, तो इससे मैं कुछ भी वहाँ पैसे वैसे निकाल के खरीद सकता हूँ, वहाँ पे शॉपिंग कर सकता हूँ इन कार्डों से। लेकिन अगर आपके पास ये ATM कार्ड रुपए वाले हैं तो उनसे नहीं होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपको, चलिए ओके बाय बाय। हाँ जी, तो हम खा पी के एकदम रेडी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया, हल्का फुल्का खाया, हमने सोचा पता लगा फ्लाइट छूट गई, खाते रह गए फिर वापस जाना पड़ा। अच्छा एक आप बात बताओ, आप थाईलैंड का नाम सुनते हो, बैंकॉक का नाम सुनते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है वो कमेंट करके बताना। जहाँ तक पता है कि वहाँ पे
काफ़ी बढ़िया जो है सुंदर सुंदर बीच है। और ये सब लोग हैं ग्रुप के हमारे, इन्हीं के साथ जाना है। ये गेट है 4, तो ये हैं सब लोग पूरा अपना ग्रुप, आप देख सकते हो। इनमें किसको किसको पहचान रहे हो भाई आप? पूरा अपना ग्रुप आप देख सकते हो। इसमें आपको इसमें सोलर के लोग सब मिलेंगे। हेलो हेलो सर, चल रहे हैं आप भी? बढ़िया। तो अभी ये क्या बोलते हैं, बोर्डिंग का टाइम आ गया है। और भाई को तो पहचान ही रहे हो, सबसे ज़्यादा इसमें पहचानने वाले ही हैं। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो अभी आ चुके हैं सब लोग, बोर्डिंग कर रहे हैं। मिलिए सर से, वो सर सही नाम ले रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत है। अभी सर भी साथ में चले, कितने हैं मतलब सब लोग जा रहे हैं ट्रिप पे? अभी 50 लोग जा रहे हैं इस ट्रिप पे, 7 दिन 4 रात 5 दिन। यस, 5 दिन दिल्ली टू पटाया बैंकॉक फॉर अ बिजनेस ट्रिप। यस, हमारा पहली बार है और बाकी कंपनी से एक बार और जा चुका है पिछले साल हमने पहली बार स्टार्ट किया था, ये दूसरा ट्रिप है। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और वैसे तो मैं बैंकॉक ये सब जाने से बच रहा था, ये छोड़ा नहीं आपको। चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या रहता है। आप देखिए ये सब लोग, ये है अपनी फ्लाइट, वहाँ पे वायर पे दिया था बस बस। हम चल रहे हैं बैंकॉक, फ्लाइट अपनी जल्दी है। अभी तो खैर जमीन पे पैदल चल रही, जैसे कार चलती है। अभी तो अभी 9:48 हो गए हैं। वैसे तो 9 बजे चलनी थी, लेकिन शायद कुछ लोग मिले रहा होगा, पर कुछ नहीं है, 40-45 मिनट सब ऊपर कवर हो जाएंगे। ये लोग इतना टाइम थोड़ा वो लेके चलते, इतना डीले नहीं माना जाता है। बोर्डिंग वगैरह सब कुछ टाइम से हो गया। तो चलिए आते हैं। ये स्पाइस जेट की शायद मेरी पहली फ्लाइट है। अब तक मैं इंडिगो, गो एयर, एयर इंडिया और एमिरेट्स कई फ्लाइटों में फ्लाई किया, लेकिन स्पाइस जेट में मैं पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ। तो देखते हैं, फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बता देते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि सारी सीटें लगभग भरी हैं, लेकिन हमारी ये तीनों सीटें खाली हैं। हम आराम से इनको उठा के इस पर लेट सकते हैं, तो एक काइंड ऑफ हमारी सोने की जगह बन गई। रात हो गई है और हम जा रहे हैं थाईलैंड बैंकॉक, तो वहाँ सुबह 3-3 बजे पहुँचेंगे। तो देखते हैं कैसा वहाँ रहता है, दिखाते हैं। पहली बार चल रहे हैं भाई, हम कभी नहीं गए हैं। तो इसको सोफा खिड़की, ये जो खिड़कियाँ हैं ये देखो, ये हिल रही है देखो, है वायर वाली। खैर लग रहा मजबूत है, नहीं तो उधर से आवाज़ आएगी, कभी दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप बाहर देखोगे तो बहुत सारे देखो प्लेन खड़े हैं, ठीक है, एयर इंडिया और अलग अलग कंपनियों के यहाँ पे प्लेन खड़े हैं, विदेश के, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक यहाँ से दोनों फ्लाइटें उड़ती हैं, अलग अलग सबका टर्मिनल होता है। दिल्ली नीचे, चलो टेक ऑफ हो गया है 9:56 पे, लगभग 10 बजे। तो अब 5 घंटे की फ्लाइट है, तो आप आराम करेंगे इसमें सोएंगे, क्योंकि मैं 2-3 दिन से अच्छे से सो नहीं पा रहा हूँ। तो सोऊंगा फिर, हम सीधे यहाँ तक मिलेंगे आपको बैंकॉक में। कुछ अगर इंटरेस्टिंग रहा इन फ्लाइट में तो दिखाएंगे, वैसे रात की फ्लाइट में ज़्यादा कुछ मज़ेदार रहता नहीं है। खाना वाना भी ये लोग देते नहीं, अगर देंगे तो दिखाएंगे। ठीक, खाना जिनका प्री बुक था टिकट के टाइम उनको जो है सर्व किया जाएगा, बाकी आप चाहो तो फ्लाइट में खरीद भी सकते हो। यहाँ पे जो है ये पूरा इनका मेन्यू है, जैसे नहीं रेस्टोरेंट में जाओ तो उसी तरीके का है इसमें। ये देखिए सब जो भी लेना है वो आप इसमें से सेलेक्ट करिए, उसका प्राइस भी लिखा हुआ है। लेकिन सब कुछ महंगा बहुत है, तो इसीलिए मैं बोला था ना बाहर ही मैं खा लेता हूँ, बाहर ही खा लिया था भाई वो सब्वे। अब
सीधे वही खाएंगे भाई पहले। ये देखिए नॉर्मल नॉर्मल से ये नूडल्स जो होते ना वो वाले मैगी मसाला जो देते 250 रुपये का दे रहे हो, मुझे लग रहा बाहर 40-50 का मिलता होगा। तो चलिए अभी आएगा कुछ पानी, में प्यास लगे तो पानी लेते हैं, बाकी तो शायद ही कुछ ले हम। ठीक है सो फार सो गुड। और बता दी क्या इंजन है, मतलब जो हवाई जहाज़ है स्पाइस जेट कंपनी का, मुझे लग रहा उतना अच्छा नहीं है। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी जब तक काम कर रहा था भाई, मेंटेनेंस अच्छे से नहीं करते। ये देखिए हमने हैदराबादी मसाला बिरयानी ले लिया, ये वेज बिरयानी है, इसमें नॉन वेज नहीं है। और एक 2 कप पानी ले लिया है, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पानी प्यास ज़्यादा लग रही। तो इसमें क्या है, प्री कुक होती है, इसमें ये लोग गर्म पानी ऐड कर देते हैं और 2 मिनट बाद ये खाने लायक हो जाती है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, पैर तो कुछ दिखेगा नहीं तो क्या ही दिखाएं। ₹250 वाली फ्लाइट के अंदर स्पाइस जेट के अंदर बिरयानी, ठीक है यार, ज़्यादा पानी डाल दिया भाई केबिन क्रू ने, मुझे लग रहा है इसमें बाढ़ आ गई इसमें बिरयानी में। तो बहुत अच्छी है, बहुत मस्त पाई है, कम थी पर अच्छी टेस्ट बहुत अच्छा रहा। वैसे तो लोग कहते हैं फ्लाइट में आपको टेस्ट नहीं आता है कुछ, तो ऊंचाई पे जाने की वजह से बहुत अच्छी लगी। चने खा रहे भाई, अपने टीम में जो लोग हैं वो लोग चने वगैरह लेके आए हैं तो वही सब लोग खा रहे हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं, क्या इस एयरपोर्ट का क्या नाम है, स्वर्ण भूमि, इस पे आ गए हम। 1:41 जो है हुआ है समय, हम यहाँ आ गए लेकिन चूँकि ये 1.5 घंटे आगे है ये देश, तो उसमें 1.5 घंटा और जोड़ लो। ये देखो सिम मिल रही, शायद यहाँ से सिम ले सकते हो, वो अपने फ़ोन में डाल के इंटरनेट आप चलाइए। ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे से चाइनीज है, ऊपर यहाँ की भाषा है। मेरे पास एयरटेल जो 2 नेटवर्क के सिम पर पहले से फ़ोन में पड़े हैं, तो एयरटेल में नेटवर्क आ गए, तो अभी हम लोग आ चुके हैं। क्या प्लान है आगे का? अभी हम लोग बैंकॉक पहुँचे हैं। okay. हम लोग बैंकॉक पहुँच गए और यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा, बाहर का टेम्परेचर 15°C है। दिन में भी ठंड रहेगी क्या? दिन में ठंड नहीं रहेगी, दिन में अच्छा मौसम रहेगा बेंगलुरु की तरह। वीज़ा का देखेंगे, वीज़ा कैसे रहेगा, वीज़ा तो शायद फ्री कर दिया है। हाँ वीज़ा फ्री है, तो देखते हैं ऐसे तो बैंकिस लेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद देखते हैं वीज़ा का कहाँ। जैसे सही टाइम पर प्लान किया जब वीज़ा ही फ्री कर दिया। इमिग्रेशन के लिए सब लोग जा रहे हैं, यहाँ से देखिए रुपए बदल सकते हो भाई। इस समय अगर आप थाईलैंड आते हो अभी से लेके कब तक है वीजा फ्री का ये सिस्टम? तो दिसंबर 2023 से लेके 10 मई 2024 तक अगर आप थाईलैंड आते हो, तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, मतलब आप अपने भारत देश से हो, तो आपको यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट लेके आइए, टिकट बुक करा लीजिए, रिटर्न आने जाने का होटल बुकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बस आप आइए, कोई चिक चिक नहीं, कोई जिक जिक नहीं, बहुत जो है स्मूथली प्यार से। लेकिन इससे पहले हमने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारी लाइन वगैरह लगती थी। ये देखो सब लोग बैग आ रहे हैं, सब लोग आ गया। ये देखिए यहाँ पे इस पे नाम नहीं लिखा दिखाइए यहाँ पे। तो अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं, ये देखिए अपना ग्रुप, ये पहली बार है कि हम ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ग्रुप में ट्रेवल करने का भी एक अलग मज़ा है। सेल्फ क्लीनिंग रोबोट, तो अभी फाइनली जो है बस मिल गई है काफ़ी टाइम बाद। ये है अपनी बस, ये आप देख सकते हो ये पूरी बुक की गई है बस। अपने टूर गाइड के जो है गाइड कर रहे हैं, और तो ये देखिए सब लोग एंट्री कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है इन लोगों ने। अरे भाई यार सही है, चीज खाना
ब्रोकरी और अकली तवे है। ये देखिए भाई, ये क्या है यार, और ये हेल्दी सा कुछ खा सकते हैं भाई, हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए हम भी कुछ देते हैं और फिर दिखाते हैं भाई। मत लग रहा है मिश्रा जी सही जगह आ गए। तो यहाँ पे दो डंडियों से खाने का रिवाज है। ये क्या प्याज उठा ला है। ये खरबूजा लग रहा है, अच्छा है टेस्ट इसका। तो अभी फाइनली जो है हम लोग रूम में आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए रूम नंबर, इस पे आईडी पासवर्ड भी लिखा हुआ, वाईफाई का है। तो मिश्रा जी तो अपना टीवी देखने लगे हैं और मैं अभी वीडियो एडिट करता हूँ, और फिर ये वीडियो आप देखिएगा। और ये होटल है, इसमें रुके हुए हैं, इसका प्राइस क्या है मैं चेक करके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो आप अगर आप यहाँ आके रुकना चाहते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्राइस में होटल मिलेगा। ओके, तो अभी फाइनली जो है हमने चेक इन वगैरह कर लिया है, और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अब आगे व्लॉग में देखिएगा थाईलैंड कैसा है, हम भी देखेंगे, आपको भी साथ ही साथ दिखाते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।